हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। तो सुबह के बज गए हैं 5:30 और हम सब उठ गए हैं। हमने जला रखी है आग और हम कर रहे हैं पानी गरम। और आधे लोग कालिंगा के लिए निकल गए और हम नहा धो के निकलेंगे आधे एक घंटे में। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, आपको दिखाती हूँ आज कालिंगा का मेला। तो मिलते हैं नहा धो के तैयार होके उसके बाद, ठीक है? सो हो गए हम रेडी और हम निकल रहे हैं। और ये देखो, इनकी तैयारियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही है। और देखो कितनी अच्छी धूप आ गई है। रोहित है, देखा रोहित है, ये रोहित है, रोहित है। चलो जल्दी, बहुत तेज थकान लग रही है इधर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा थकान हो रही है। वो काल काट रहे हैं। चल दी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कालिंगा माता के मंदिर जाते हुए, और बहुत थकान लग रही है। हाँ जी, हाँ भाई, आ जाओ यार कालिंगा चलो। और हम पहुंच गए ऊपर रोड में किदार गली। यहाँ पे ना बहुत तेज धूप आ गई है, अभी इतनी गर्मी हो रही है इधर, लग ही नहीं रहा कि ठंड का मौसम है। जैकेट जो भी पहन के लाए थे वो भी उतार दी। जय माता दी, कालिंका माही की जय। और हमें जाना है उधर ऊपर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई में। और केदार गली के यहाँ पे इन लोगों ने भंडारा कर रखा है, पानी और चाय की व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे सारे लोगों के लिए जो भी यहाँ से गुजर रहे हैं। और कुछ लोग देखो वहाँ पे जा रहे हैं, इतनी दूर हमें जाना है अभी। यहाँ पे इन्होंने चाय लगा रखी है सबके लिए, चाय की फ्री सेवा। पानी दे दो, चाय नहीं बोल दो यहाँ। ये बुलाई नहीं पा रहे सबने, लोगों ने डंडे पकड़ रहे हैं, डंडे पकड़ के चल रहे हैं। ये देखो, ये भ्यूल का डंडा पकड़ रखा है मम्मी ने। काफ़ी ऊपर हम पहुंच गए, यहाँ से आपको दिखाती हूँ व्यू। ऐसे देखिए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है रास्ते में, धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है भीड़। और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। ये लोग जो गोला तो ये जो मंदिर है ये है कुमाऊँ और गढ़वाल के बीच में। हाँ। और इनकी जो पूजा होती है वो जो मेन जो पूजा करते हैं वो है बडियारी लोग। हाँ। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और 4 साल में एक ही बारी होता है ये मेला माता रानी का। तो लास्ट ईयर नहीं हुआ था क्योंकि मूर्ति की स्थापना की थी, तो इसलिए लास्ट टाइम इन्होंने ऐसी भंडारा कर दिया था। और उससे पहले कोरोना का चक्कर था तो बहुत कम लोग आए थे। उस टाइम भी 2019 में हुआ था ना लास्ट। हाँ। और इसीलिए इस बारी बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे ही मिले थे जो कह रहे थे कि हम 4 बजे निकल गए, जो हम 5 बजे निकल गए। और हम चढ़ाई में चल रहे हैं, बहुत ही दुर्लभ चढ़ाई है। और हमारे गाँव से तो फिर भी ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, थोड़ी सी चढ़ाई है बट है। वहाँ से ऊपर ऊपर जाना है हमें, और वहाँ से बिल्कुल फिर सीधा सीधा है, वहाँ से ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। तो कल भी सब लोग कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है मंदिर में, तो कल भी बहुत लोगों ने भीड़ चढ़ाई है। कल कुछ लोग दर्शन करके चले गए, मेन जो मेला है वो आज है। और न्याजामा वहाँ पर आएंगी 8:30 के अराउंड, तो अब वो चली जाती है 2 बजे, इसलिए लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं ताकि उनके दर्शन हो। आंटी जी को दिखा दो, आंटी जी की बुरी हालत हो गई। नीचे की देखो, ऐसे थक रहे हैं वो लोग। यहाँ से व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है। और ये हम पहुँच गए टंडे खाल में। टंडे खाली तो ये। हाँ। हम आए वहाँ से नीचे से, देखो
और मेन जो चढ़ाई थी वो हमने कर लिया पार। हाँ और अब यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा आगे को माता रानी के दर्शन करने आए। यहाँ पे मैंने सुना है चाय की व्यवस्था कर रखी है। कहाँ है ये है भंडारा, यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है खाने पीने की भक्तजनों के लिए, चाय पानी शायद खाना भी है। ये देखिए और ये लोग कल से इतनी मेहनत कर रहे हैं इन सब पे। ये है हमारे गांव के चाचा जी। बड़ा बेटा बड़ा बड़ा हमें तुम्हारे गांव के तो है। चलो यहाँ से देखो आप हिमालय पर्वत पूरा दिखता है और ये चारों तरफ दिखेगा आपको। देखो इधर यहाँ से पूरा हिमालय पर्वत दिखता है और यहाँ से अब सीधा सीधा रास्ता है। बहुत अच्छा लग रहा है अभी बहुत ही ज्यादा। ठंड हो रही है अभी हो रही है ना अभी हो रही है ऊपर जाके फिर धूप आ जाएगी उधर। और यहाँ पे भी लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं, पानी की व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे भी। और इस बार इन लोगों ने ये बहुत सही किया हुआ है क्योंकि रास्ते में ना जरूरत होती है सारी चीज़ों की। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इन्होंने चाइनीज़ एक स्टॉल सा खोला हुआ है, दिखाते हैं आपको। जलेबी भी है यहाँ पे और यहाँ की जलेबी हमारे गाँव का ही लड़का एक भाई है। वेरी गुड वेरी गुड वाह वाह वाह। और ये भाई बना रहा है यहाँ पे चाइनीज खाना। हेलो गाइस कैसे हो? बस ठीक है। और बताओ और ये हम पहुँच गए फाइनली काली का मंदिर। जय माँ भगवती जय माँ काली जय माता। और कुछ लोग तो यहाँ पे भेड़ चढ़ा के वापस भी आ गए। तो वाह ये फाइनली हम पहुँच गए कालिंका। बहुत भीड़ हो रखी है गाइस यहाँ पे बहुत रश है भेड़ के लिए भी लाइन लगी हुई है। जय माता रानी जय माँ भगवती। बहुत भीड़ हो रही है इधर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। अभी तो और भीड़ होगी यहाँ पे, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो लोग आ ही रहे हैं। कैसे जाएंगे आगे। जय माँ भगवती ही माँ का नाम है। जय माँ भगवती यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पुलिस भी लगी हुई है तो मास्क कंपलसरी है। यहाँ पे मास्क लगा के बैठो भैया। ये देखिए आप यहाँ से लाइन लगी हुई है भेड़ चढ़ाने की, ऊपर से ऊपर तक लाइन लगी हुई है। वो रही लाइन वहाँ लगानी पड़ेगी आपको लाइन। ओह नो लाइन लगाओ है कहाँ तक। तो नाजमा भी आ चुकी है यहाँ पे। ये देखिए लाइन कितनी बड़ी है यहाँ भेड़ के लिए, लाइन कितनी लंबी लगी हुई है ऊपर तक लगी हुई है। पता नहीं कब आएगा नंबर। जो लोग आगे भेड़ चढ़ा के उनके लिए तो बहुत ही सही है। वहाँ से हिमालय पर्वत देख रहा है।
बस। यहाँ पे आ रखे अखरोट, ये क्या बेच रहे हैं? पॉपकॉर्न, मूंगफली, अखरोट, सब कुछ बेच रहे हैं। ये नहीं ना कौन वाली आइसक्रीम, आइसक्रीम खाते हैं। अरे बंद कर दो, बंद कर दो। बस लाइन लगी हुई है। और यहाँ पे मिला तभी ज़्यादा। लोग अभी भी आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। 12 बज गए हैं तब भी लोग आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। 12 बज गई, चाचा और हो गए हो।
अंकल है। बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा। अरे सारे हमारे गांव के लोग, ये हमारे गांव का है, पूनम आई है, पूनम है, ये पूनम की मम्मी है, ये गप्पू की दादी है, गप्पू की दादी है, नहीं कान्हा की दादी है, ये कान्हा की दादी है, ये सपना की दादी है, दिव्यांश की दादी है। जिला दिखा इसका, अब दीदी का दीदी ले रही है, देख दीदी ले रही है, वीडियो बना स्टार्ट कर। जय माँ, जय जय जय। मिलवाक नहीं जान माँ, नीचे को जाएगी ना उधर। और यहाँ से गए थे हम न्याजा माँ को देखने उस साइड को, और यहाँ पे बहुत मुश्किल से ये शूट किया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मना कर रहे थे शूट करने को, वीडियो बनाने को, किसी को भी उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी। मैंने सोचा था जब न्याजा माँ निकलेंगी तो तब मैं बनाऊँगी, लेकिन उन्होंने नहीं बनाने दी।
और इसीलिए मैं नहीं बना पाई। तो न्याजा माँ निकली थी 4:15 यहाँ से और हम 1:30 से खड़े हो रखे थे उनको देखने के लिए, और उसके बाद यहाँ पे सब अपने अपने घर जाने लग गए थे जैसे ही न्याजा माँ निकली और हम भी अपने घर को चल दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी लोगों ने यहाँ पे दुकानें लगाई थी उन्होंने सब ने सबमिट लिया था अपना सामान, और इसके बाद हम सीधा घर चले गए थे। भीड़ काफ़ी ज़्यादा पहले ही कम हो चुकी थी, लोग भीड़ लगा के सीधा चले गए थे घर। कुछ लोग रुके हुए थे न्याजा को देखने के लिए और उसके बाद सीधे लोग अपने अपने घर चले गए। बोलो अब बोलो, हम बहुत साल बाद मिल रहे हैं, हम बहुत बेस्ट फ्रेंड थे पहले के। भी बेस्ट फ्रेंड 30 साल बाद मिल रहे हैं, शादी के बाद अभी मिलने लगा था ना। चलो तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा चैनल को। तो यहाँ पे हम सारे अपने घर चले गए थे और यहाँ पे जाते टाइम भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और बहुत अच्छा भी लग रहा था, और शाम के बज गए थे यहाँ पे 4:30 क्योंकि हम 4 बजे तो मंदिर से ही निकले थे। तो ये था आज का ब्लॉग। तो हम आ गए हैं वापस, मेला हो चुका है ख़त्म और अभी शाम के बज गए हैं 4:30 हो गए, और इस टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, बहुत तेज़ हवा चलने लगी है। सुबह जितनी गर्मी हो रही थी उतनी यहाँ पे ठंड हो रही है। तो आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और आपने भी इंजॉय किया होगा, माता रानी के दर्शन भी कर लिए। मिलती हूँ जल्दी नए ब्लॉग के साथ, और कल जा रही हूँ मैं दिल्ली। तो अब गाँव का सफ़र यहीं तक का था, जल्दी मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।